और कौमी सलामती के मामले पर सिक्योरिटी का अहम इजलास खत्म हो चुका है। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुल्क की सलामती और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। कल अदम TTP से मुजाकरात पर शुरका को ब्रीफिंग दी गई है। और कौमी सलामती के मामले पर सिक्योरिटी का अहम इजलास खत्म हो चुका है। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी गई है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर, इजलास का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमी सलामती के मामले पर सिक्योरिटी का जो अहम इजलास है वो इस वक्त खत्म हो गया है। कौमी सलामती के मामले पर इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में पार्लिमानी जमातों के सरबराहान, वफाकी वज़रा जो है वो शरीक हुए और अस्करी हुकाम ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर पार्लिमानी रहनुमाओं को ब्रीफिंग दी और इजलास में मुल्क की सलामती और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। TTP से अब तक के होने वाले जो मुजाकरात हैं उन पर शुरका को एतमाद में लिया गया और अस्करी हुकाम की जानिब से अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी कमेटी को ब्रीफिंग दी गई है। अस्करी क्यादत ने पार्लिमानी रहनुमाओं के जो सवालात थे उनके जवाब भी दिए हैं और पार्लिमानी जो पार्टी का जो पार्लिमानी सिक्योरिटी पार्टी का जो इजलास है वो खत्म हो गया है और इस इजलास के बाद वफाकी वज़रा जो है वो आपसे कुछ ही देर में ब्रीफिंग देंगे, जिसमें आज के जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ वजीर आज़म की ज़ेर सदारत उनमें क्या क्या फैसले किए गए हैं उनसे भी आगाह किया जाएगा। जी ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका।